वेलकम टू ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ माय वर्सटाइल कॉर्नर। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे बात करते हैं वेरियस हाउ टू डूज की, तो वैसे ही आज का हमारा हाउ टू है कि बेडशीट्स कैसे वॉश करनी होती हैं, किस मोड पे वॉश करनी है, कितना डिटर्जेंट डालना है, और अगर बेडशीट्स बहुत ज़्यादा गंदी हो तो कितना डिटर्जेंट डालना है, किस जगह डालना है, कितनी देर का वॉश टाइम डालना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा, वरना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो ही जाएगी। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डिटर्जेंट ट्रे में मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिटर्जेंट डाल चुकी हूँ। कितना डिटर्जेंट डालना है ये बता देती हूँ मैं आपको। अभी जो मैंने डिटर्जेंट डाला है ये इस स्पून से, बहुत छोटी सी स्पून है, 4 स्पून मैंने इसको फुल भर के डाला है, कंप्लीट फिल्ड थी ये। और वैसे कितना डिटर्जेंट डालना होता है इसके लिए आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरे जितने ही वीडियोस हैं मैंने लगभग आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जितने भी वीडियोस आपको देखने हो आप क्लिक करके देख सकते हैं, वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस सिचुएशन में कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी बेडशीट्स डालनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मोड की बात कर लें। ये जो मोड है आपको पहले एज यूजुअल यहां से मशीन ऑन करनी है और इस ड्रम में आपको बेडशीट्स डाल देनी है। अगर आपकी बेडशीट्स डबल बेड की हैं तो इसमें 3 बेडशीट्स डाल सकती हैं, क्योंकि मशीन 8 kg की है। 8 kg में इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 डबल बेड की बेडशीट्स। अगर आप सिंगल बेड की बेडशीट्स डाल रहे हैं तो आप इसमें 6 बेडशीट्स डाल सकते हैं। देखिए, जो बेडशीट्स होती हैं उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। आप इसमें सिल्क की बेडशीट्स बिल्कुल मत डालिए, जिनका फैब्रिक थोड़ा सेंसिटिव होता है वो बेडशीट्स इसमें नहीं डालेंगी। वेलवेट और सिल्क इसमें आपको नहीं डालना है। जो नॉर्मल कॉटन की होती हैं या थोड़ा सा पॉलिस्टर मिक्स होती हैं वो सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें 3 बेडशीट्स डाल रही हूँ। ये 3 बेडशीट्स में इसमें डाल चुकी हूँ। अभी जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें अभी अभी इसमें स्पेस थोड़ा सा बाकी है, तो मैं ये 3 पिलो कवर्स भी इसमें डाल रही हूँ। जो नॉर्मल साइज के पिलो कवर्स होते हैं वो 3 में इसमें डाल रही हूँ। देखिए, इसमें कितने कपड़े डल सकते हैं, कितना इसका स्पेस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 बेडशीट्स डलनी चाहिए, पर उसके बाद भी मैंने 3 पिलो कवर क्या देखकर डाले हैं, ये पूरा ट्रिक मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, अभी भी इसमें इतना स्पेस था कि मैं इसमें बेडशीट्स के साथ ये पिलो कवर डाल सकती थी, इसलिए मैंने डाल दिए हैं। और अब हमें मोड कौन सा लेना है। देखिए, जो बाय डिफॉल्ट लाइट ब्लिंक होती रहती है ये कॉटन पे है नहीं, ये सिर्फ हम जब मशीन ऑन करते हैं तो यहाँ लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप पे है ये अब कॉटन पे है, आपको कॉटन पे ये वॉश नहीं करने हैं, आपको बेडशीट्स वॉश करने के लिए हमेशा कॉटन प्लस यूज करना है। कॉटन प्लस, कॉटन किसके लिए है, कॉटन छोटे कपड़ों के लिए है, बड़े कपड़ों के लिए सिर्फ कॉटन प्लस आपको यूज करना है। बड़ी बड़ी बेडशीट्स हैं जो, या बड़े बड़े कर्टन्स जो होते हैं कॉटन के, वो भी आप इस पर वॉश कर सकते हैं। वैसे कर्टन पे मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कर्टन का मोड बिल्कुल अलग होता है। वैसे हम कॉटन प्लस पे उसको वॉश नहीं कर सकते हैं, पर अगर कॉटन के ही कर्टन्स हैं तो आप कॉटन प्लस पे उन्हें वॉश कर सकते हैं। अब देखिए, अभी कॉटन प्लस पे मैंने इसको कर दिया है तो ये 60 डिग्री टेम्परेचर ले रहा है और 1400 जो लास्ट स्पिन राउंड्स होते हैं मैक्सिमम वो इसने ले लिए हैं, मतलब जितना मैक्सिमम ड्राई हो सकता है, जितना स्पिन हो सकता है वो इसमें हो जाएगा। ये लास्ट टेम्परेचर यहाँ आता है 95 डिग्री, ये देखिए, पर ये 95 लेगा नहीं, क्योंकि ये जो मशीन है हमारी वो है हमारी AIDD मॉडल, जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इसमें सेंसर होता है, इस
फैब्रिक के अकॉर्डिंग, इन कपड़ों के अकॉर्डिंग, इन बेडशीट्स के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का टेम्परेचर ही लास्ट लिया जा सकता है. इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए आगे टेम्परेचर नहीं ले रहा है. अब देखिए एक और ऑप्शन होता है, सपोज डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा डल जाए तो आपको क्या करना चाहिए. ये रिंस प्लस का एक ऑप्शन है इसमें. मैंने डिटर्जेंट जितना डाला है मुझे पता है कि वो उतना ही यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं है. तो अगर ज़्यादा डल जाए, हमें लगता है कि इसमें डिटर्जेंट रह जाएगा कपड़ों में, तो हमें रिंस प्लस ओके कर देना चाहिए. रिंस प्लस के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है, रिंस प्लस ऑन हो जाएगा. रिंस प्लस ऑन होने से फ़र्क ये पड़ेगा कि ये टाइमर ज़्यादा लेगा. मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे वैसे हटा रही हूँ. इसी में एक और सिस्टम होता है प्री वॉश, दैट इज इंटेंसिव. आप ही में से एक व्यूअर ने पूछा भी हुआ है कमेंट में, इंटेंसिव क्या होता है. इंटेंसिव होता है कि जब आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो, तो जैसे हम नॉर्मली जब हम कपड़े वॉश करते हैं हाथ से, तो हम कई बार कपड़ों को गलाते हैं डिटर्जेंट में ताकि वो अच्छे से गल जाएं, तो उनकी जो गंदगी है वो आसानी से बाहर आ जाएगी. तो वही सिस्टम ये इंटेंसिव कर रहा होता है. जब कपड़े ज़्यादा गंदे हो, सपोज अभी बेडशीट्स बहुत ज़्यादा गंदी होती, तो मैं यहाँ प्री वॉश ऑन कर रही होती. ऑन करने का सिस्टम वही है, आपको इस पर बस एक बार क्लिक करना है. प्री वॉश भी जब आप करेंगे तो ये भी टाइम ज़्यादा लेगा. मेरी बेडशीट्स इतनी गंदी नहीं है कि उन पर प्री वॉश की ज़रूरत पड़े. प्री वॉश में क्या होगा, ये कपड़ों को पहले गलाएगा और उसके बाद नॉर्मल वॉश सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा. मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको फिर से हटा रही हूँ. देखिए प्री वॉश में, जैसे अगर आप बेडशीट्स धो रहे हो और आपको ज़रूरत हो कि ज़्यादा गंदी है तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए डालनी है, तो आपको ट्रे में भी एक बात ध्यान रखनी होगी. मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए ये जो हमारी ट्रे है, ये मैंने इसमें डिटर्जेंट डाला हुआ है यहाँ पर. आपको अगर आपको प्री वॉश पे डालना हो तो आपको डिटर्जेंट थोड़ा यहाँ पर भी डालना होगा. प्री वॉश में डिटर्जेंट ये यहाँ से यूज़ करेगा, और जब आपकी नॉर्मल वॉश होगी, जो आपको नॉर्मल वॉश सिस्टम होता है, उसमें डिटर्जेंट यहाँ से यूज़ होगा. अगर आपने प्री वॉश में यहाँ डिटर्जेंट नहीं डाला है तो वो नॉर्मल सिर्फ कपड़े गीले होकर रह जाएंगे, उस वो गलेंगे नहीं. तो बेटर वॉश के लिए आपको यहाँ पे भी डालना है डिटर्जेंट और यहाँ पर भी डालना है. अब देखते हैं हम कि कितना टाइम लेता है, और मैं आपको टाइम का चेंज भी बता दूंगी. हम देखते हैं टाइम कितना लेता है. देखिए कॉटन प्लस पे हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये सेंस करके टाइम देगा, और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग टाइम चेंज भी बताऊंगी कि आपने जब यहाँ पर चेंजेस किए तो उसके टाइम पर क्या फर्क पड़ा. देखिए ये हमने ऑन किया है, सिस्टम ऑन हो चुका है, अभी ये सेंस कर रहा है. देखिए मशीन लॉक हो चुकी है. यहाँ वाईफाई का साइन आ रहा है. इस पर आपको एक वीडियो पहले से दे रखे हैं, दो वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं, और आगे भी मैं इस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ. ये क्यों आ रहा है वहां आप जाके चेक कर सकते हैं. देखिए अभी इसने लिया है 1 hour and 59 minutes. अभी मैं आपको इनको चेंज करके बताती हूँ. मैंने आपको बता रखा है कि अगर इससे आप थोड़ा कुछ चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पॉज करना है इस साइकिल को, और अब आप कुछ चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं. कहाँ से चेंज करेंगे, सपोज आप रिंस प्लस लेते हैं तो अब देखिए टाइम में क्या फर्क पड़ेगा. ये देखिए जहाँ अभी ये टाइम 1 hour 59 minutes का था, रिंस प्लस करते ही ये टाइम 2 hour and 11 minutes पे चला गया है. अब मैं इसे हटा के आपको दिखाती हूँ. अब आप देखिए प्री वॉश पे कितना टाइम लेगा. अभी इस तरह से ये टाइम नहीं दे रहा है, प्री वॉश पे अगेन ये सेंस करेगा. आप इसको फिर से चेक करा देती हूँ मैं आपको. ये देखिए 2 hour and 16 minutes. पर मुझे प्री वॉश नहीं करना है और ना ही मैंने उसमें डिटर्जेंट डाला हुआ है, तो मैं इस साइकिल को यही अभी रोक रही हूँ. देखिए आपको ऐसा काम नहीं करना है. ये जो मैंने अभी किया कि मैंने साइकिल ऑन कर दी और उसके बाद मैंने आपको ये सब चेंज करके बताया है, ये सब आपको नहीं करना है. अभी देखिए आपको जो भी फंक्शन इसमें ऑपरेट करने हो वो यहाँ से स्टार्ट करने के पहले ही ऑपरेट करने होंगे, और उसके बाद ही यहाँ से ऑन कीजिए. उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो सही नहीं रहता है मशीन के लिए. मुझे सिर्फ आपको समझाना था वीडियो में, इसलिए मुझे ये करना पड़ा.
देखिए मशीन ऑन हो चुकी है, टाइम सेंस कर चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको पता ही है कपड़े इजीली वॉश हो जाने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस भी टाइम पे मिलते रहें। और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।